हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब प्रोफाइल के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक SDLC मॉडल है। SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं SDLC क्या होता है। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले की वीडियो आप कवर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है एंड इस मॉडल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड वन इज द सिस्टम डिजाइन, थर्ड वन इज द इम्प्लीमेंटेशन, द फोर्थ वन इज द टेस्टिंग, द नेक्स्ट वन इज द डिप्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज द मेंटेनेंस। इस वॉटरफॉल मॉडल के अंदर एवरी फेज इज डिपेंड ऑन द प्रीवियस फेज। जो भी आपका फेज होगा वो डिपेंड करेगा प्रीवियस फेज के आउटपुट के ऊपर। मैं अभी आपको इस फेजेस के बारे में आपको समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। इस फेज के अंदर जो भी आपके सॉफ्टवेयर की, आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे इकट्ठा की जाएगी, उनको एनालिसिस किया जाएगा। इसके फेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसको बोला जाता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये आपका इस फेज के अंदर डेवलप होता है, इस फेज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिजाइनर तैयार करते हैं हाई लेवल मॉड्यूल एंड द लो लेवल मॉड्यूल। इस फेज के अंदर यानी सिस्टम डिजाइन फेज के अंदर यहाँ पे आपके पास एक डिजाइन आपको मिल जाता है, डिजाइन जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डेवलपर के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन डेवलपर डिजाइन करते हैं आपके एप्लीकेशन को, आपके एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। डिजाइन हम पहले फेज में कर चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअल कोडिंग होती है डेवलपर के द्वारा। कोडिंग हो जाने के बाद आपका काम आता है टेस्टिंग का, जो टेस्टिंग फेज में शुरू होती है। जैसे आप टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको आपका प्रोडक्ट, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, जहाँ पे आपका एंड यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो वो परफॉर्म किया जाता है डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर। जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद उस एप्लीकेशन में इन्हेंसमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। कोई भी न्यू चेंजेज आ सकता है तो वो आपका सब चीज़ें होंगी मेंटेनेंस फेज के अंदर। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल के अंदर। अभी हम इस थोड़ा सा और डीप में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बताए, तो यहाँ पे जो भी आपका फेज होगा, लेट्स सपोज अगर आपको सिस्टम डिजाइन वाले फेज में जाना है तो आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। देन आप मूव करेंगे सिस्टम डिजाइन फेज की तरफ, देन आप मूव करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ, देन आप मूव करेंगे टेस्टिंग फेज की तरफ, देन आप मूव करेंगे डिप्लॉयमेंट फेज की तरफ एंड देन लास्ट आप मूव करेंगे मेंटेनेंस फेज की तरफ। तो यहाँ पे आप एक लीनियर वे में आप चल रहे हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। इस वजह से इस वॉटरफॉल मॉडल को लीनियर मॉडल भी कहा जाता है, जहाँ पे एक फेज प्रीवियस वाले फेज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये जो वॉटरफॉल मॉडल है, ये आप कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस मॉडल को वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट काफ़ी कम टाइम के अंदर आपका इवोल्व हो पाए, या आपका प्रोडक्ट आपके सामने बन के तैयार हो कम समय के अंदर। लेट्स सपोज अगर आपका एप्लीकेशन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर बन सकता है तो आप वाटरफॉल मॉडल को यूज कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपका कोई चेंजेज ना हो रिक्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फ्रीज हो कि हाँ आपको सिर्फ 4 ही फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है अपनी एप्लीकेशन में, इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवानी आपको, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वाटरफॉल मॉडल की मॉडल का। एंड इस मॉडल के अंदर आपका जो इनिशियल इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको इनिशियल स्टेज पे टेस्टर आपको हायर नहीं करने पड़ते। आप सिर्फ जो आपका इनिशियल फेज है, लाइक आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, डिप्लॉयमेंट सॉरी आपको डेवलपर डेवलपमेंट करना है आपको, तो आप एक फेज
से दूसरे फेज में जैसे मूव करते हैं तो वहां पे आपका रिसोर्सेज बढ़ता जाता है, बट जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो वहां पे आपके पास रिक्वायरमेंट काफी कम है, तो वहां पे कम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम रिसोर्स आप लेके आएंगे, तो जहां पे आपका कॉस्टिंग भी काफी कम होगी यानी आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर टेस्टिंग स्टार्टिंग फेज से शुरू नहीं होती, टेस्टिंग शुरू होती है कोडिंग फेज के बाद। लेट्स सपोज अगर रिक्वायरमेंट फेज के अंदर ही कोई कोई डिफेक्ट है, कोई बग है, तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा टिल द टेस्टिंग फेज। जब आप कोडिंग कंप्लीट कर लेंगे, जब आप इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे डेवलपर के द्वारा, उसके बाद आपका टेस्टिंग फेज आता है। एंड अगर आपको टेस्टिंग के दौरान कोई बग मिलता है तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। आपको बग फिक्सेस के लिए दोबारा से आपको रिक्वायरमेंट में चेंजेस करने हो सकते हैं, या आपको डेवलपमेंट जब आप कर रहे हैं तो कोडिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे, तो आपको काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम होगा। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पूरा रिवर्क करना पड़ेगा टू फिक्स द बग। तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल है। इस मैं आपको सम अप कर देता हूँ। वाटरफॉल मॉडल आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपका आपके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है, या रिक्वायरमेंट आपकी फ्रीज है। इसके बाद आपके पास लाइक आपको जो प्रोडक्ट है वो काफी कम समय में कम समय में आपको आपको मिल सकता है। लाइक वहां पे टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एंड अदर टास्क काफी कम है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं है, या जहाँ पे काफी ज्यादा समय लग रहा है आपके प्रोडक्ट को बनने में, तो वहां पे आप इस मॉडल का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आप दूसरे मॉडल का यूज कर सकते हैं। इन दूसरे मॉडल को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे डीप के अंदर। सो इस वीडियो में हमने कवर किया वाटरफॉल मॉडल। यदि आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है सो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई अदर अगर आपका फीडबैक है, कोई और आप हमारे कंटेंट के रिगार्डिंग अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।